हेलो फ्रेंड्स, फूडीज क्रिएशन बाय कीर्ति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी और मिसी रोटी का कॉम्बो रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले पनीर की सब्जी रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल में 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा पानी लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब, और 1 टीस्पून करीब ऑयल डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें थोड़ा सा इसका पेस्ट जैसा बना लेना है, उसके हिसाब से पानी डाल लेंगे। और हमने यहाँ 250 ग्राम पनीर के बड़े बड़े पीसेस किए हैं, उनको डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। फिर एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। और फिर पनीर के पीसेस डाल देंगे, इन्हें हल्का सा सेक लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इन्हें सेकना है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में अब 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और यहाँ 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और 2 छोटी इलायची को थोड़ा सा क्रश करके डाला हुआ है। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टेबल स्पून करीब लहसुन बारीक किया हुआ डाला है, यहाँ 2 मीडियम प्याज को बारीक किया है। आप इसे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। और प्याज को मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से सेकना है। इसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छे से मसालों को भून लेंगे। 1/4 कप हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद 2 टेबल स्पून करीब बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद 4 मीडियम साइज के बारीक किए हुए टमाटर डालेंगे। ध्यान रहे हमें ये सब मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है मसाले को। टमाटर को हम ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। वन टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल देंगे। मसाला अच्छे से भुनने के बाद इसमें 1/2 गिलास करीब पानी डालेंगे और एक उबाल आने देंगे। उसके बाद पनीर के पीसेस डाल देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पनीर की सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे बोल में निकाल लेंगे। मिसी रोटी का डो रेडी करते हैं। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल में 1 कप बेसन, 1/2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया को क्रश करके डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 बारीक हरी मिर्ची और 1 मीडियम साइज का बारीक किया हुआ प्याज डाला है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 टेबल स्पून धनिया डाला है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते हुए इसका डो रेडी करेंगे। इसे हमें अच्छे से 5 मिनट तक मसलना है। डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए।
और इसे ऑयल लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसके पेड़े रेडी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम रोटियां बेल लेंगे। रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है। अब रोटी के एक साइड पर पानी लगाएंगे। पानी अच्छे से लगाना है और जिस साइड पानी लगाया है उस साइड को तवे पर डालेंगे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। फिर तवे को हम उल्टा करके एक साइड को सेक लेंगे। ये देखिए मिसी रोटी सिक चुकी है। अब इस पर घी लगा लेंगे। इसी तरह हम अपनी सारी रोटियां रेडी कर लेंगे। ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी और मिसी रोटी का कॉम्बो प्लेट बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।